कल जब उसकी औलाद बदला ले तो यह मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था What?

है, अगर हेड है तो टेल है अगर मेल है तो फीमेल है, प्रोज है किसी चीज के तो कॉन्स हैं तो किसी भी चीज को एकदम ऐसे देखना के साथ, चिंतन मनन करना थोड़ा सा रुक के पॉज लेना अपने दिमाग में सोचना उस बारे में उसकी अच्छाई उसकी बुराई के बारे में करना, तो ये मैं करने वाला हूं बिकॉज ये सवाल पूछा जा रहा है आप भी सोच रहे हैं कि टॉक को आप डिलीट करें यानी टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए या चाल में आप कुछ पढ़ रहे हो कुछ आप देख रहे हो और जो लोग कह रहे हैं देखा देखी आप भी वही चीज करें नहीं हो सकता है इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखें तो आप अच्छे ढंग से ये डिसीजन ले पाए लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग क्या चीजें हैं ऐसी की जो टिकटॉक की ऐप है इसको डिलीट कर देने के लिए आपके हाथ जो है, उस की तरफ है देखा देखी कर रहे हैं आप बस वन स्टार देने के लिए रिव्यू कर रहे हैं आप उसमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं बिकॉज रिव्यू इज नॉट अबाउट वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार रिव्यू इज अबाउट की आप उसमें आपका फीडबैक किया जो ऐप बना रहा है या दूसरा बंदा है जिसमें उसको काम करना है तो उसको पता तो चले कि उसको करना क्या है या पता तो चले ही कि सेंटीमेंट क्या है तो इसी बात पे मैं पहले पहला अपना ये मुद्दा रखना चाहता हूँ कि सब बोलते हैं कि भाई चाइनीज़ ऐप है तो चाइनीज़ ऐप है इसलिए डिलीट कर दो चाइनीज़ ऐप है इसलिए बैन कर दो बिकॉज कोरोना वहाँ से आया है बिकॉज हमें इंडिया में चाइनीज़ ऐप नहीं यूज़ करनी क्यों भाई इसका मतलब तो हेपोक्रेसी है ना कोविड की बात करें तो दीज आर रूमर्स राइट ना दे आर प्रूवन जब प्रूव हो जाएगा तो हमारी गवर्नमेंट खुद डिसीजन ले लेगी यार तो हमें खुद बता देगी भाई करना है हमें डिलीट करना है जब गवर्नमेंट नहीं करी तो उस लेवल पे मत जाओ एक्सट्रीम स्टेप्स मत लो हर चीज में एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने होते दूसरा कोविड को अलग कर देते हैं अब बात करते हैं कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स हम यूज नहीं करते कोविड के रहते हुए भी को चाइनीज हमारा कंपिटेटर है, है हमें सेल्फ सफिशियंसी करनी है तो महात्मा गांधी भी बोलते आए यार सेल्फ सफिशियंस की तो उन्होंने भी बात करी थी मेक इन इंडिया की मोदी भी बात कर रहे हैं बहुत टाइम से तो अपना ऐसे कम्पटेटर तो बनाओ ऐसी कोई ऐप तो बनाओ जब बन जाएगी तो आ, मारो इसको धक्का ऑफकोर्स इफ इंडिया हैज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन विच इज इक्वली गुड दैन ऑफकोर्स वी विल एम्ब्रेस इट बट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाई नॉट यूज स्टार्ट यूजिंग इट एफिशेंटली या स्टार्ट यूजिंग इट डेलीजेंटली डिलीट करना सोल्यूशन शायद ना हो और अगर हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना ना तो पहले सारे वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं वो हमें बाहर निकालने चाहिए सारे फोन हम यूज़ करते हैं वो सारे होते तो मैनुफेक्चर चाइना में ही है तो उनको बाहर निकालो सारे प्रोडक्ट्स को निकालो तो हैपोक्रेटिकल एटीट्यूड क्यों क्यों बस एक एप्लीकेशन की बात क्यों नहीं सारे प्रोडक्ट्स की बात और वो इसलिए नहीं हो रही बिकॉज ऐसे नहीं चलता अगर कल को मेडिसिन आती है कोविड की अगर वो चाइना बना के भेजता है तो हम उसको इंकार कर देंगे हाँ अगर हमारे पास उससे अच्छी मेडिसन है इंडिया में तो हम यूज़ करेंगे बट अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है और चाइना की मेडिसन हमें बेहतर लग रही है या एक ही ऑप्शन है तो ऑफकोर्स उसको यूज करना एक इंटेलिजेंट डिसीजन होगा तो ये ये जो मुद्दा है चाइनीज़ ऐप है मुझे इसमें ज़्यादा वेट नहीं लगता आई थिंक देर आर मेनी अदर रीज़न्स विच शुड बी प्रायरटाइज तो चलिए उनकी बात करते हैं दूसरा रीज़न क्यों टिकटॉक की ऐप डिलीट कर देनी चाहिए बिकॉज हम ये लोग बोल रहे हैं कि इसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये बड़ा ईजी है कॉन्टेंट बनाना और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के यही करते हैं तो एक बात बताइए मुझे ये जो PUBG YouTube पे स्ट्रीम करते हैं बच्चे या जो PUBG बच्चे खेल रहे हैं क्या वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए <laughs> अगर उससे बच्चों को स्ट्रीम करके पैसा कमा रहे हैं आई नो अबाउट मेनी मेनी स्ट्रीमर्स मेकिंग मनी अ लॉट ऑफ मनी तो ऑफ कोर्स बट यू नो इज दैट शॉर्ट टर्म और इज इट दैट लॉन्ग टर्म बात ये है अगर आप कोई काम कर रहे हो अगर आप टिकटॉक बना के फेमस हो रहे हो क्या उससे आपका लॉन्ग टर्म में करियर बन रहा है क्या उससे आपको एजुकेशन uh, छोड़ के वो करना चाहिए तो मुद्दा यहां ये नहीं है कि हम टिकटॉक को ना यूज करने दें बच्चे उनको यूज ना करें गरीब लोग उसको यूज ना करें अमीर लोग उसको यूज ना करें वो मुद्दा नहीं है मुद्दा यहां ये नहीं है मुद्दा यह है कि आपको कोचिंग मिले आपको मेंटरिंग मिले आपको काउंसलिंग मिले जो ऐप है वो ऐसे इन्फ्लुएंस यूज करें जो बताए लोगों को कि आपको ये ऐप क्या क्या दे सकती है आप इस ऐप से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको इन्फ्लुएंस मिलता है तो उससे आपका क्या हो सकता है पर आपको अपनी बेसिक एजुकेशन बेसिक चीज़ें नहीं छोड़नी हैं आपको ऐसा कंटेंट बनाना है ऐसा नहीं बनाना है तो ये जो काउंसलिंग की कमी है जो मेंटरिंग की कमी है जो कोचिंग की कमी है ये मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है जो पॉलिसीज़ हैं आप मॉडरेट कैसे करते हो कंटेंट? एक और बात जो सामने आ रही हो, है ये यह रही कि भाई जो कंटेंट है वो कंटेंट ऐसा है जिससे गलत चीज़ें प्रमोट हो रही हैं उससे रेप्स प्रमोट हो रहे हैं उससे कुछ ऐसी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं जैसे एसिड अटैक कि लड़कियों पर एसिड अटैक कर सकते हैं हम तो गाइज एक बात बताओ ना मुझे ये जो चीज़ है वो एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है यह है जो कंटेंट मॉडरेशन और कंटेंट क्रिएटर की प्रॉब्लम है कौन सा कंटेंट क्रिएटर क्या कंटेंट बना रहा है उसका एजुकेशन लेवल क्या है या उस कंटेंट को क्या वो एप्लीकेशन प्रोवाइडर वो मॉडरेट कर पा रहा है नहीं करवा रहा प्रॉब्लम यह है अगर व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड जा रहे थे बहुत टाइम से जिससे लोग में गलत अंधविश्वास फैल रहा था तो व्हाट्सएप का कंटेंट मॉडरेशन और लोगों की अवेयरनेस की प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप डिलीट करना उसका सोल्यूशन नहीं अगर है अगर यूट्यूब पे सॉफ्ट पोन है यूट्यूब पे गंदी गंदी कॉल रिकॉर्डिंग्स है गंदे गंदे भड़काऊ बयान है गालियां हैं तो उसमें कैसे लोगों को कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अवेयरनेस दी जाए कैसे उस चीज को मॉडरेट किया जाए कैसे एक अच्छा मैसेज दिया जाए कैसे काउंसलिंग करी जाए कॉन्टेंट क्रिएटर्स की उस पर पैसा इन्वेस्ट किया जाए उस कॉन्टेंट को मॉडरेट करने के लिए रिसोर्सेज मैनुअली रिसोर्स बैठा जाए उस पर पिटिश होना चाहिए उस पर रिक्वेस्ट होना चाहिए जो फीडबैक हम दे रहे हैं जो हम रिव्यू डाल रहे हैं वन टू सार को उसमें चीज लिखनी चाहिए कि वी वांट यू टू वर्क ऑन योर पॉलिसीज वी वांट यू टू मॉडरेट योर कंटेंट वी वांट यू टू काउंसिल द क्रिएटर्स वी वांट यू टू क्रिएट अवेयरनेस कि क्या अच्छा कंटेंट है क्या बुरा कंटेंट है आप कंटेंट क्रिएटर्स को बताओ कि अगर ऐसा ही कंटेंट बनाओगे तो उसे शॉर्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा वायरल हो जाओगे पर उसके बाद क्या तो ये बताना बहुत जरूरी और ये आई थिंक रिस्पांसिबिलिटी है जैसे हम बोलते हैं बोल ना कि कॉर्पोरेट्स की रिस्पांसिबिलिटी है कि भाई अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आपको सोसाइटल काम भी करना है तो ऐसे इन ऐप प्रोवाइडर्स की इन प्लेटफॉर्म्स की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो इस चीज की एजुकेशन फैलाएं इस चीज की अवेयरनेस फैलाएं एंड दैट इज वट आर एंड शुड बी आर एंड शुड नॉट बिक बैन कर दो बैन कर दो ये एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की जरूरत क्या है आई वुड से दीज एप्स हैव सच अग यूज बेस लाइक अबाउट वन पॉइंट फाइव बिलियन यूजर बेस जिसमें अबाउट थ्री फिफ्टी मिलियन ऑफ ज्यादा आई थिंक इंडिया में यूजर्स हैं और फोर्टी सिक्स फिफ्टी मिलियन यूजर्स यू एस में हैं uh, और यू you नो know, इसमें अगर आप सोचें कि इस ऐप को कैसे यूज करा जा सकता है तो इमेजिन अगर हम मैंडेटरी ये पटिशन डालते हैं कि टिकटॉक के जो ओनर्स हैं टिकटॉक की जो कंपनी है उनको मैंडेटरी है उनके लिए कि जो गवर्नमेंट अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करने ही हैं आपको आपको इतना पैसा खर्च करना ही है अवेयरनेस आपको ये सोशल मैसेजेस वाले कैंपेन चलाने ही हैं। हर क्रिएटर को पचास में से एक वीडियो ऐसा बनाना ही है तो यू नो दिस इज वॉट द काइंड ऑफ स्टेप्स एंड दिस इज द ऑफ़ कैंपेन वी शुड बी रनिंग सो so, बिकॉज एक जब ऐप है उसका इतना बड़ा यूज़र बेस है तो उसको कैसे यूटिलाइज और लेवरेज किया जाए फोकस वहां होना चाहिए और क्या देखिए हर कल्चर हर रीजन की एक डिफरेंट पॉलिसी होती है अब यूएस में लोग मे बी इतना क्रिंज कॉन्टेंट नहीं बनाए लोग अपनी पढ़ाई वढ़ाइयाँ छोड़ के बस ये ना करें और छोड़ भी दे तो उनको शायद फर्क ना पड़े बट इंडिया में चीज़ें हालात थोड़े डिफरेंट इंडिया में जो पॉवर्टी का सिचुएशन है वो अलग है इंडिया में जो लिटरेसी का सिचुएशन वो अलग है इंडिया में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सिचुएशन अलग है इंडिया में जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो अलग है हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारे चैलेंजेस डिफरेंट हैं हमारे जो जो कल्चर है हमारे हमारे जो इमोशनस हैं तो हम पे हो जाते हैं हम किसी भी देखकर इमीजिएटली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो हमारे लिए इस ऐप को या ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को इन्वेस्टमेंट एक कस्टमाइज वे में करनी पड़ेगी अपनी जो पॉलिसीज है उनको कस्टमाइज वे में चेंज करना पड़ेगा और दिस इज व्हाट द एंड शुड बी दिस इज व्हाट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट रादर देन टॉकिंग अबाउट कि बैन कर दो या इसको वन स्टार रेटिंग दे दो बिकॉज किसी भी बात से हम इन्फ्लुएंस हो गए तो ये देखा देखिए छोड़ दो गए आई होप दिस वीडियो वुड हैव गिवन यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड वॉट यू शुड बी डूइंग मैं किसी चीज़ की साइड नहीं ले रहा हूँ ना मैं यहाँ ना मैं वहाँ मैं एंड कॉन्स की बात कर रहा हूँ क्या हम कर सकते हैं क्या बेस्ट सोल्यूशन है क्या बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो तो बट आई लीव इट अप टू यू वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड डू टर्म इन योर कमेंट्स इफ दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल इट गेव यू अ फाइनल परस्पेक्टिव इज थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ हो थोड़ा माइंड ब्रॉडन हुआ हो तो अगर uh, हुआ है तो बस दिस इज द ओनली इंटेंट आई हैड बाकी ऑफकोर्स ईच टू इट्स ओन आप uh, जो प्लेटफॉर्म आपके लिए है वो आपके लिए है आप उसको यूज करो आपको टिकटॉक अच्छा लगता है आप टिकटॉक यूज करो आप यूट्यूब अच्छा लगता है यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है आप उसका कॉन्टेंट बनाओ उस पर डालो और बट बैलेंस करो लाइफ में लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है किसी भी चीज में जब इंबैलेंस आता है तो सारी चीजें गलत है और जाते जाते मैं बस यही बोलूंगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम स्टेप्स इज नॉट द सोल्यूशन अगर मैं टीवी ज्यादा देखता हूं तो मैं टीवी फोड़ दूं ये सही नहीं है अगर मैं म्यूजिक ज्यादा सुनता हूं तो अपने म्यूजिक डिवाइस फोड़ दूं तो ये सही नहीं अगर मैं सोशल मीडिया के एडिक्ट हूं तो मैं सोशल मीडिया पे सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दूं अपना फोन कबाड़ी को दे दूं ये सारे एक्सट्रीम स्टेप्स हैं ये एक्सट्रीम स्टेप्स पे नौबत नहीं आनी चाहिए आप पहली बैलेंस करो या काउंसिल करो एजुकेशन ऐसी करो अवेयरनेस ऐसी करो मॉडरेशन ऐसी करो कि ये सारे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं पड़े अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो गैस लाइक जरूर कर देना यह वीडियो और साथ साथ सब्सक्राइब करें तो घंटा जरूर दबा दें उस घंटा दबाएंगे और तो ऑल नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो आपको जब भी एक नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जरूर करें और डोंट टू फॉलो करेंट फॉलोर इंस्टाग्राम माई लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन यहां भी आप देख रहे होंगे पीपोए uh, -E, जो चैनल है उसका भी लिंक है और जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसका भी लिंक है आई वुड यू गैस टू फॉलो बिकॉज आई वॉन्ट बिल्ड सम कॉन्टेंट फॉर इंस्टाग्राम बट आई एम वेटिंग फॉर एटलीस्ट टेन थाउजेंड फॉलोअर्स जिससे वो चीज़ मैं इंस्टाग्राम पे शुरू कर सकूं सकूँ इसी के साथ मैं चलता हूं आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डेड देन डू गिव द थम्स अप और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा आप ये टिकटॉक uh, की ऐप डिलीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं तो क्यों अगर नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं और आप क्या करेंगे अगर नहीं करेंगे तो क्या आपका स्टेप होगा जरूर बताइएगा आई एल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स और गाइज अब मैं चलता हूँ एक और वीडियो में ऐसे ही फिर से जल्दी से मिलूंगा तब तक के लिए शब्बा खैर खुदा हफे सत श्रीकाल राम राम शियज एंड गुड बाय